आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कर्क राशि का दिसंबर का महीना 2018 का कैसा जाएगा। मतलब 2018 का राशिफल बता रहे हैं दिसंबर के महीने का कर्क राशि का। कर्क राशि मतलब भावुक लेकिन संवेदनशील चरित्र, मूडी और गंभीर। तो दिसंबर में जो सूर्य है वो धनु राशि में संक्रमण करेगा और 20 दिसंबर को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए महीना सामान्य नहीं कहा जाएगा। 2018 के दिसंबर के महीने के फलादेश के हिसाब से इस माह कर्क राशि के जातकों का झुकाव मनोविज्ञान जैसे विषयों की ओर बढ़ेगा। आप में से कुछ लोग इस दौरान तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। सितारों की चाल कहती है कि वे लोग जो नौकरी कर रहे हैं अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। नौकरों को सर पर मत चढ़ाइएगा। कोई ऐसा जिस पर आप यकीन करते हैं आपको पूरी तरह से सच नहीं बताएगा। उधार दिए धन की प्राप्ति नहीं होने पर आपका मन अशांत रहेगा। अनावश्यक कार्यों में आपका समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। किसी मामले में दखलंदाजी भी बिल्कुल मत कीजिए। मन और आत्मा में अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आपको लंबी और छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपको लगातार कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर अच्छा माहौल बना रहेगा और सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। इस माह आपका वैवाहिक जीवन भी आनंद से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छी समझ होगी और विषम परिस्थितियों में आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कभी कभी बीच बीच में कभी कभी असंतोष का माहौल बन सकता है पर वहां पे आप धैर्य और संयम से काम लें। परिवार के बड़े लोगों और बच्चों के लिए समय अच्छा साबित होगा। वहीं आर्थिक मोर्चे पर यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। वे जातक जो बिजनेस कर रहे हैं यदि इस अवधि में किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो उन्हें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अंत में बात आपकी सेहत की करें तो आपको इस महीने ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपकी रुचि योग और प्राणायाम की ओर ऑटोमेटिक होगी। तो सेहत के मामले में यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष की जैसी बात करें तो जो आमदनी होगी उसके हिसाब से व्यय भी होगा। व्यय होने के चांसेस ज्यादा है तो व्यय अधिक होगा तो फिर धन बचेगा नहीं। ऐसी और तीर्थ यात्रा पर जाने वाले के प्लान बनेंगे आपके। अब हम बात करते हैं प्रेम प्रसंग की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो अपने प्रिय की नाराजगी के बावजूद आप अपना प्यार जाहिर करते रहें, उनका सम्मान करें। आपकी पार्टनर नाराज हो सकती है या नाराज हो सकते हैं तो उनका सम्मान करें और बार बार अपना प्यार जाहिर करें। क्योंकि देखिए प्यार में तो वही मजा होता है कि कभी नोक कभी झोंक कभी प्यार, तो वो चलता रहेगा। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।